एवरीवन वेलकम बैक टू मन की बात। हम हाजिर एक और वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आइकन स्टार अल्लू अर्जुन की दमा चबेटे पैन इंडिया धमाका यानी कि पुष्पा द राइज पार्ट वन के फोर्थ सिंगल के बारे में, यानी कि ए बिद्दा ये मेरा अड्डा के बारे में, जो कि फाइनली आउट हो चुका है और हिंदी वर्जन फिर से एक बार लेट आया। हमको लगता है 30-40 मिनट बाद इसका हिंदी वर्जन रिलीज हुआ है। लेकिन सबसे अच्छा बात जो इस बार हमको हिंदी वर्जन का लगा वो लगा इसका लिरिक्स हमको हिंदी वर्जन का इस बार काफी पसंद आया ओवरऑल। और बीच बीच में देखिए कहीं कहीं तो ऐसा होता ही है कि थोड़ा सा लगता है कहीं कहीं खींचा हुआ है, कहीं फोर्स्ड है, मतलब फिट किया गया जबरदस्ती उस वर्ड्स को उसमें, तो ऐसा थोड़ा थोड़ा तो कहीं कहीं फील आता है। लेकिन कंपैरेटिवली देखें तो इस बार का हमको हिंदी लिरिक्स ज्यादा पसंद आया और काफी अच्छा लगा हमको। और स्पेशली जो सेकंड पार्ट आता है वहां पे लिरिक्स और ज्यादा हमको बेटर लगा ऑनेस्टली। लेकिन जहां तक देखिए बीट्स का सवाल है, बीट्स तो फैंटास्टिक है, एकदम थिरकने पे मजबूर करने वाला है और ऐसा बीट्स है जो कि थिएटर में जब बजेगा तो डेफिनेटली आप ग्रूव करोगे। और एक एटीट्यूड, एक स्वैगर जो है वो स्क्रीन से जब ऑडियंस में आ जाता है तो वो वाला जो बीट्स होता है ना, उस तरह का बीट्स है, डेफिनेटली आपको भी वो एकदम एटीट्यूड वाला फील देगा आप अगर थिएटर में बैठे होगे। एंड अल्लू अर्जुन मास ओरा मास फुल ऑन स्वैग स्टाइल एटीट्यूड क्लास हर कुछ जबरदस्त था। आंखों में इंटेंसिटी, वो अग्रेशन जो दिख रहा था कि भाई अब वो बात नहीं रहा, अब डॉन बन चुके हैं, तो फुल एकदम स्मगलिंग का धंधा जो है जबरदस्त तरीके से चल रहा है। ट्रक्स वगैरह में ओवरलोड होके जा रहे हैं, पूरा भर भर के जा रहे हैं सैंडलवुड, वहां पे पैसों की बारिश हो रही है नोटों की। और वो जो स्टेप भी करते हैं, जो वाइल्डनेस दिखाते हैं, जबरदस्त है। सबके पास बुलेट्स वगैरह आ चुके हैं, ठीक है, तो पैसों की बारिश होना शुरू हो चुकी है और जो पुष्पा है उनका अब राइज हो चुका है। और स्पेशली जो बीट्स है, हम बात कर रहे थे कि बीट्स काफी अच्छा लगता है, स्टार्टिंग जिस तरह से ट्यून्स होता है वो भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जैसा लिरिक्स हम बताएं कि सेकंड फेज जो आता है लगभग 2-2.5 मिनट के बाद जो फेज शुरू होता है उसमें लिरिक्स और जो बीट्स है, जो म्यूजिक भी है, वो चेंज होता है स्लाइटली और वो हमको बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और देखिए जहां तक बात है पुष्पा का राइज का पूरी तरह से हो चुका है, उसके बाद अब ये गाना किस स्टेज पे आता है वो तो देखने वाला बात होगा। लेकिन फुल ऑन मास जबरदस्त है क्योंकि इतने सारे डांसर्स लोग, इतना फुल गैंग के साथ वो नाचते हुए जबरदस्त है। और ये एक फील जो देगा ना जब ये ऑडियंस के साथ बजेगा, जब थिएटर में बजेगा और जब राइज हो चुका रहेगा, उस तरह का जो फील देगा बहुत ही जबरदस्त है। बहुत लोग तो उठ के डेफिनेटली थिएटर में नाचने वाले हैं। और इस बार तो लिरिक्स में तग्गे दिले को भी इंक्लूड किया गया, जो कि सबसे मेरा फेवरेट पार्ट लगा पूरे गाने के बारे में। वो जो बजता है जिस तरह से ले ले थगे दले, वो तो एकदम फेवरेट पार्ट रहा मेरा। ओवरऑल हमको बहुत पसंद आया ये गाना, ठीक है। लिरिक्स कहीं कहीं लगता है फोर्स, लेकिन ओवरऑल हम बोले तो हम काफी सेटिस्फाइड हैं इसके हिंदी लिरिक्स के बारे में। बाकी तेलुगु लिरिक्स कैसा है वो आप लोग बताओगे कमेंट सेक्शन में। और आपको ये गाना कैसा लगा, जो भी आपके थॉट्स हो कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी दबा देना। और कुछ बात करनी है तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां मैसेज कर सकते हो। चलिए मिलेंगे बहुत जल्दी एक और वीडियो में एक और अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।